हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं, जिसे हम किराना दुकान बोलते हैं, वहाँ पे हमें हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि इस दाल को क्या बोलते हैं, इस अनाज को क्या बोलते हैं। हमें किसी अनाज का नाम इंग्लिश में पता रहता है, उसका हिंदी नाम नहीं पता, या कभी ऐसा होता है कि हिंदी नाम पता रहता है और उसका अंग्रेजी नाम नहीं पता रहता। ऐसे ही हमारे मसालों के बारे में या खाने के तेल, इन सब के बारे में हमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? इन सब से बचने के लिए हमें चाहिए एक ग्रॉसरी लिस्ट। ग्रॉसरी लिस्ट वो होता है किराने का लिस्ट, जो हम ज़्यादातर महीने के एंड में या दो तीन महीने में एक बार बना लेते हैं। अगर एक किराने का लिस्ट, जिसे हम ग्रॉसरी लिस्ट बोलते हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश में रहे तो हमें वो बहुत काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम एक ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हैं, उसमें हम सारे चीज़ों को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ग्रेन्स हुए, ग्रेन्स को हम बोलते हैं अनाज, और लेंटिल्स या बीन्स, जिसमें आएंगे अपने दाल, फली वगैरह। फ्लोर्स मतलब आटा, और कुकिंग ऑयल खाने का तेल। होल स्पाइस, होल स्पाइस को हम बोलते हैं खड़े मसाले। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध के उत्पाद। नट्स एंड सीड्स, जैसे सूखे मेवे और बीज। इनके अलावा भी और कैटेगरी है, जिसमें पाउडर्ड मसाले, जिसे हम पिसे हुए मसाले बोलते हैं। ब्रेकफास्ट आइटम्स, नाश्ते के सामग्री। स्नैक्स, जो शाम को हल्का फुल्का खाने के लिए रहता है, शाम का नाश्ता। और कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स मतलब जो अपने खाने का स्वाद बढ़ाता है, जैसे सॉसेस वगैरह। तो चलिए देखते हैं हम किचन में यूज़ होने वाले सारे किराना आइटम्स, ग्रॉसरी आइटम्स के लिस्ट हिंदी और इंग्लिश में दोनों देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से ग्रेन्स, लेंटिल बीन्स, फ्लावर, कुकिंग ऑयल, ये पार्ट वन में हो चुका है। होल स्पाइस, जिसे हम खड़े मसाले बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध के उत्पाद, नट्स एंड सीड्स, सूखे मेवे एंड बीज, ये सब पार्ट टू में हो चुका है। आज हम पार्ट थ्री देखेंगे। पार्ट थ्री में हम लोग देखेंगे आज पाउडर्ड मसाले, ब्रेकफास्ट आइटम्स, स्नैक्स एंड कॉन्डिमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाउडर्ड मसाले से, पिसे हुए मसाले। लाल मिर्च पाउडर, इसे हम कहते हैं रेड चिली पाउडर। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर को हम इंग्लिश में कोरिएंडर सीड पाउडर कहते हैं। सौंठ का पाउडर, इसे हम इंग्लिश में ड्राई जिंजर पाउडर कहते हैं। काली मिर्च पाउडर, इसे हम इंग्लिश में ब्लैक पेपर पाउडर कहते हैं। जीरा पाउडर, इसे हम इंग्लिश में क्यूमिन पाउडर कहते हैं। आमचूर पाउडर, इसे हम इंग्लिश में ड्राई मैंगो पाउडर कहते हैं। चिली फ्लेक्स, इसे हम इंग्लिश में भी चिली फ्लेक्स ही कहते हैं। हिंग पाउडर, हिंग पाउडर को हम इंग्लिश में एसाफोर्टिडा पाउडर कहते हैं। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर को हम इंग्लिश में टर्मरिक पाउडर कहते हैं। कसूरी मेथी, इसे हम इंग्लिश में ड्राई फेनुग्रीक लीव्स कहते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे हम इंग्लिश में कश्मीरी रेड चिली पाउडर कहते हैं। प्याज का पाउडर, इसे हम इंग्लिश में ऑनियन पाउडर कहते हैं। लहसुन का पाउडर, इसको हम इंग्लिश में गार्लिक पाउडर कहते हैं। दालचीनी पाउडर, इसे हम इंग्लिश में सिनेमन पाउडर कहते हैं। सफ़ेद मिर्च पाउडर, इसे हम इंग्लिश में वाइट पेपर पाउडर कहते हैं। जायफल पाउडर, इसे हम इंग्लिश में नटमेग पाउडर कहते हैं। केसर पाउडर, इसे हम इंग्लिश में सैफ्रॉन पाउडर कहते हैं। काला नमक पाउडर, इसे हम ब्लैक सॉल्ट पाउडर कहते हैं। अजवाइन का पाउडर, इसे हम
ओरेगानो पाउडर कहते हैं, ज़्यादातर ये पिज़्ज़ा में यूज़ होता है। बड़ी इलायची का पाउडर, इसे हम कहते हैं ब्लैक कार्डमम पाउडर। सरसों का पाउडर, इसे हम इंग्लिश में मस्टर्ड पाउडर कहते हैं। पाउडर्ड मसाले में यहाँ पे एक लिस्ट है जो हम रेडीमेड मसाले यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है गरम मसाला, नेक्स्ट है चाट मसाला, पापड़ मसाला, पिकल मसाला। पिकल मसाला मतलब अचार का मसाला, जो अचार बनाते वक्त जो मसाला यूज़ होता है अचार मसाला। एक करी मसाला जिसे हम अंडा करी मसाला कहते हैं। घोड़ा मसाला जिसे हम घोड़ा मसाला या काला मसाला बोलते हैं, जो ज़्यादातर महाराष्ट्र में यूज़ होता है। सांभार मसाला जो साउथ इंडियन डिशेस रहते हैं उसमें जो सांभार बनता है उसमें सांभार मसाला यूज़ होता है। किचन किंग मसाला, ये एक जनरल मसाला है जो ज़्यादातर सब्जियों में डाला जाता है। सीजनिंग मसाला, सीजनिंग मसाला पिज़्ज़ा वगैरह में जो ऊपर से थोड़ा सा सीजनिंग के लिए डालते हैं उसको सीजनिंग मसाला बोलते हैं। रसम मसाला, रसम एक साउथ इंडियन आइटम है जो इमली या टमाटर के पानी से बनाते हैं। पंच फोरन मसाला, बिरयानी मसाला, छोले मसाले, चिकन मसाला, कोली मसाला, फिश मसाला। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉन्डिमेंट्स। टमाटो केचप, टमाटो केचप को हम हिंदी में भी टमाटो केचप ही कहते हैं। ये जनरली हम लोग पराठों के साथ या सैंडविचेस के साथ जो यूज़ करते हैं टमाटो केचप। नेक्स्ट आता है सोया सॉस, सोया सॉस को हम हिंदी में भी सोया सॉस ही कहते हैं। सोया सॉस जनरली चाइनीज़ जो आइटम्स रहते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट आता है कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क मतलब गाढ़ा दूध, इसमें शक्कर भी रहता है, मीठा रहता है, तो ये डेजर्ट्स में सब यूज़ होता है। जैम, मिक्स्ड फ्रूट जैम हो या प्लेन पाइनएप्पल जैम, मैंगो जैम। नेक्स्ट है विनेगर, विनेगर को हम हिंदी में सिरका कहते हैं। इसके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, ये पिकल में यूज होता है, काफ़ी कुछ आइटम्स में सिरका यूज होता है। मस्टर्ड सॉस, मस्टर्ड सॉस को हम कहते हैं मस्टर्ड सॉस, हिंदी में मस्टर्ड सॉस ही कहते हैं या सरसों का सॉस कहते हैं। शेजवान चटनी, शेजवान चटनी को भी हिंदी में भी शेजवान चटनी ही कहते हैं, ये भी चाइनीज रेसिपीज में यूज होता है। उसी तरह ग्रीन चिली सॉस, ये रहता है हरी मिर्च की चटनी या सॉस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पीनट बटर, पीनट बटर मूंगफली का मक्खन, मतलब मूंगफली और कुछ और आइटम्स ऐड होके एक फाइन पेस्ट बनता है उसको कहते हैं पीनट बटर, मूंगफली का मक्खन। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, इसे कहते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। सिरचा सॉस, सिरचा सॉस मिर्च लहसुन का एक पेस्ट मिलता है, इसे सिरचा सॉस कहते हैं। फ्रूट क्रश, फ्रूट क्रश मतलब पल्प की तरह मिलता है, ये मिक्स फ्रूट का क्रश हो सकता है या कोई सिंगल फ्रूट का जैसे कि स्ट्रॉबेरी क्रश, ये मार्केट में रेडीली मिलता है। नेक्स्ट है रेड चिली सॉस, रेड चिली सॉस को लाल मिर्च का सॉस कहते हैं। मेयोनीज, ये ज़्यादातर बर्गर वगैरह में यूज होता है। पास्ता सॉस, पास्ता सॉस को भी हम इंग्लिश में पास्ता सॉस ही कहते हैं। चॉकलेट सॉस, चॉकलेट सॉस ये लिक्विड की तरह रहता है, बहुत सारे डेजर्ट्स में यूज होता है। वेनिला एसेंस, यहाँ पे एक ही एसेंस का नाम लिया है हमने वेनिला, वेनिला के अलावा भी काफ़ी सारे एसेंस होते हैं, ये एक फ्लेवर लाता है हमारे डेजर्ट आइटम्स में, जैसे कि केक में आप यूज़ कर सकते हैं वेनिला एसेंस, वैसे चॉकलेट एसेंस मिलता है, पाइनएप्पल एसेंस, रोज एसेंस। नेक्स्ट होता है कोको पाउडर, कोको पाउडर को हम हिंदी में भी कोको पाउडर ही कहते हैं, ये ज़्यादातर चॉकलेट आइटम्स बनाने में जैसे चॉकलेट केक हुआ, चॉकलेट कुकी हुआ, उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट आइटम, क्रीम ऑफ वीट्स या सोमलिना, इसको हम हिंदी में रवा या सूजी कहते हैं। बीटन राइस, बीटन राइस को हम हिंदी में पोहा कहते हैं। टॉपिको पर्ल्स या सागो, इसको हम हिंदी में साबुदाना कहते हैं। वर्मिसली, इसको हम हिंदी में सिवैया कहते हैं। कॉर्नफ्लेक्स, इसको हम हिंदी में मक्के के पोहे, ये रेडी टू यूज रहते हैं, आप इसको दूध में
डाल के यूज कर सकते हैं। पास्ता, पास्ता को भी हम हिंदी में पास्ता ही कहते हैं। ब्रेड और बन, जिसे हम हिंदी में भी ब्रेड या बन कहते हैं। मुस्लिन, मुस्लिन को भी हिंदी में मुस्लिन ही कहते हैं। इसमें ओट्स के अलावा और भी काफी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं इसमें। और ओट्स, ओट्स को हम हिंदी में जाई कहते हैं। पफ्ड अमरंथा सीड्स, इसको हम हिंदी में राजगिरा लाहे बोलते हैं। फॉक्स नट्स, इसे हम हिंदी में मखाना कहते हैं। पफ्ड राइस, इसे हम हिंदी में मुरमुरा कहते हैं। रोस्टेड ग्राम, इसे हम हिंदी में भुना हुआ चना कहते हैं। चिप्स, चिप्स को हिंदी में भी चिप्स कहते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स हुआ, बनाना चिप्स हुआ। नमकीन, नमकीन में बहुत सारे आइटम्स आते हैं जो शाम के स्नैक्स में हम खाते हैं। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न को हम हिंदी में मकई का लावा कहते हैं। क्रैकर्स, क्रैकर्स को हम हिंदी में पतले बिस्कुट कह सकते हैं। ये ज़्यादातर मीठे नहीं होते और जिसमें जो थोड़ा पतले और सॉल्टी टेस्ट रहते हैं, होल्स रहते हैं बिस्किट में। कॉर्नफ्लेक्स, ये मकई के पोहे होते हैं, इसको आप तल के यूज कर सकते हैं। टोस्ट, टोस्ट को भी हम हिंदी में टोस्ट ही कहते हैं, ये कड़क वाला ब्रेड होता है। खारी, खारी को भी हम हिंदी में खारी कहते हैं, ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी होता है, चाय के साथ, दूध के साथ आप इसे खा सकते हैं। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स को हम हिंदी में नूडल्स ही कहते हैं। इंस्टेंट मतलब जो जल्दी से बन जाता है उसको इंस्टेंट नूडल्स बोलते हैं। केक्स, केक को भी हिंदी में केक ही कहते हैं, टी टाइम केक हुआ या फ्रूट केक हुआ। कुकीज, कुकीज़ को भी हम हिंदी में भी कुकीज़ ही कहते हैं। ये मोटे प्रकार के बिस्किट्स होते हैं जिसे हम अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं, सिर्फ मैदा से ही नहीं, चाहिए तो आप अलग अलग फ्लार से बना सकते हैं, जैसे व्हीट फ्लार हुआ, वोट फ्लार हुआ, उससे कुकीज़ बनते हैं। अन बिस्किट्स, बिस्किट्स नॉर्मल हमारे बिस्किट्स होते हैं जो जनरली मैदा से बनते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ जो कॉमनली यूज होते हैं उन्हीं का लिस्ट दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के पहले दो पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।